हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं अदरक और गुड़ की कैंडीज़, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत हेल्दी होती है। इसे बनाने के लिए अदरक को हम इस तरीके से भून लेंगे। अब इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और इसे चम्मच की सहायता से छील लेंगे, कुछ इस तरीके से। इसे अच्छे से छील लेने के बाद ये देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है। इसे वॉश कर लेंगे और इसे छोटे छोटे पीसेस में कट करके मिक्सी में पीस लेंगे। इसे एकदम बारीक पीसना है और इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। अब इसे एक कढ़ाई में डाल के इसे भूनेंगे हाई फ्लेम पर, जिस तरीके से। अब जितना हमने अदरक लिया है उसके दो गुना हमें लेना है गुड़, यानी कि जैगरी। इसे भी मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। अब इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच इलायची पाउडर और आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर। इन दोनों को अच्छे तरीके से भून लेंगे और इसे तब तक भूनना है हाई फ्लेम पे जब तक ये कढ़ाई को छोड़ने ना लग जाए और एकदम थिक पेस्ट ना बन जाए, क्योंकि इसे हमें बॉल बनाना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब इसे हम ठंडा करने रख देंगे और एक थोड़ा सा चीनी लेकर उसे पीस लेंगे और पाउडर बना लेंगे। अब ये पेस्ट ठंडा हो चुका है। इसे घी लगाकर अपनी हथेली पर छोटे छोटे गोल बना लेने हैं, कुछ इस तरीके से। ये देखिए, ये मैंने बच्चों के लिए बनाया है। ये बहुत ही छोटा बनाया है। ये बच्चों को थोड़ा सा भी खांसी हो तब आप खिला दीजिए, खांसी छूमंतर हो जाएगा। अब ऐसे ही मैं और बॉल्स को बनाकर और शुगर में कोट कर लूँगी, कुछ इस तरीके से। ये देखिए, लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट वाला कैंडी, और खाने में भी उतना ही टेस्टी है। अब मैं इसमें थोड़ा सा बड़े साइज़ का ले लूँगी और इसे थोड़ा सा बड़े साइज़ की कैंडीज़ बना लूँगी और इसी तरीके से शुगर के पाउडर में कोट कर लूँगी। ये देखिए, इसी तरीके से हम ढेर सारे बना लेंगे जितने हमारे पास मिक्सचर है। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। इसे सर्दी ज़ुकाम में हम खा सकते हैं। ये देखिए, हमारा जैगरी का और अदरक का कैंडी रेडी है बनकर। इसे आप 3-4 मंथ तक इजीली रख सकते हैं स्टोर करके किसी भी ग्लास के कंटेनर में। ये ख़राब बिल्कुल नहीं होता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं दोस्तों। ये बच्चे, बूढ़े और जवान सभी लोग खा सकते हैं। जिसको बहुत पुरानी खांसी है, कफ है, जिसकी खांसी कभी जाती नहीं है, सर्दी हो रही है, बार बार मौसम बदल रहा है, इम्यूनिटी वीक है, वो इसे खाइए। ये देखिए, और ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये होममेड है, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा रेसिपी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।